आज बना रहे हैं हम हलवा पूड़ी और पेठा की सब्जी, मतलब हम कद्दू की बोल रहे हैं, यहाँ पेठा की सब्जी बोल रहे हैं। और आज बारिश हुई थी तो मन किया कि पूरी खा ले, आज पूरी बन रही है। चूल्हे पर बनाते पर ज्यादा लेट हो गया। मम्मी तो पहले बोल रही थी कि टिकड़े बनाएंगे फिर बारिश होगी, मैंने कहा बारिश में टिकड़े अच्छे नहीं लगते, सब्जी पूरी खाएंगे। तो सब्जी तो पापा ने बनाई थी पेठे की, अभी कुकर बंद दबा के दिखा दूंगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ हलवा, उस पर हो रहा है पानी गर्म। देखो ये सब्जी पापा ने बनाई थी एकदम भंडारे की स्टाइल, खट्टी मीठी सब्जी। तो मैंने कहा साथ में पूरी भी बना लेंगे और हलवा भी, तो भंडारे वाला ही खाना हो जाएगा। हलवा उधर पानी गर्म हो रहा है और ये पूरी बेलन तक रख लेगी, फिर पूरी बना लेंगे साथ साथ और फिर बच्चे खा लेंगे साथ साथ गरम गरम। अभी तो वे आड़ कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बात दंगा कर रहे हैं अपनी नानी के साथ। फिर दर्द हूँ मिठा के भंडारा ना बैठू मैं सरकार तो पानी ने बापू ठंडा आदमी तो ना हटा दे कढ़ाई रख दे फिर जब तक कपड़ा तो ये सही है। आराम से देखती जरा मोरी पानी निकल ले ले और ज्यादा यहाँ पे चीनी और पानी डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। मम्मी की चम्मच भी टाइम डाल दी मैं भी आऊँ के हाँ दे दे इन्हें सब्जी डाल के पूरी डाल के वीडियो की कह दी मैंने। मम्मी को बस यहाँ पर खाना पीना हो गया था और ये है रात का टाइम और यहाँ पे चल रही है आइसक्रीम, तो यहाँ पे सब खा रहे हैं आइसक्रीम। और ये है बटर स्कॉच वाली आइसक्रीम तो खा रहे हैं, सबको डाल के दे रही है मेरी बहन और हम सब खा रहे हैं और बातें चल रही हैं। और फिर खाना खाते हुए पता नहीं के लिए बनाई थी क्या, वो कहाँ डिलीट हो गई, बनाई तो थी कल रात खाना। यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे 9 और आज चाय की जगह चाय चल रही है दोबारा, क्योंकि आज मौसम बारिश का हो रहा है, बूंद आ रही, ठंडा मौसम हो रहा है, तो आज चाय खाने का मन नहीं था किसी का, तो चाय पूड़ी या अचार चल रही है नाश्ता। यहाँ पर दीपांशु चाय नहीं पीता तो वो दही पूड़ी अचार खा रहा है और सारे चाय पी रहे हैं। और ये मेरी रखी है चाय, मेरा है व्रत तो मैं पूड़ी नहीं खाऊंगी, ये मेरी चाय रखी है। और सब कर रहे हैं नाश्ता। मम्मी दलिया पीसा था उसे छान के आटा जो निकलता है मोटा वो अलग कर रही। के क्या कर रहे हो पहले बता। यो तो मोटो छाने पहले हाँ अरे यो रांधड़ को लिख रहा है और यो गाय में गिर दी यो और अच्छा, तीन बार छानना पड़े। तीन बार मो बढ़िया लखन तो करे तो अच्छा, तो मम्मी लखन तो दलियो तैयार कर रही है बनाने की निया, फिर थोड़ा सो लेके जाऊंगी लता और थोड़ा सो लेके जाऊंगी मैं। तो ये पापा ने चक्की में पीस दिया था और अब मम्मी इसे छान छून कर तैयार करके फिर पन्नी में पैक करके रख देगी हमारा और हम लेके चले जाएंगे। थोड़ा बहुत कभी बना लेते हैं तो पैकेट का लेकर आओ फिर वो वैसा रहे, तो ये अपना घर का सही है, मिलता तो पैकेट का भी है जैसे इमरजेंसी में कभी लाना पड़े, पर वो बेकार है, ये अपना बढ़िया रहता है। तो थोड़ा सा मैं लेके जाऊंगी थोड़ा सा लता, तो यहाँ मम्मी छान छून के कर देती है इसे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार और फिर कर देंगी पन्नी में पैक। तो चलो करते हैं। और मौसम हो रहा है बारिश का, कई बार तो मतलब बूंद आ चुकी है और रुक जाती है, अभी तो रुकी हुई है पर आज बारिश का ही मौसम हो रहा है। और ये कर रही मेरी बहन अपनी पैकिंग, इसे जाना है आज तो ये अपनी पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी है। ये यही इसकी बेडशीट, ये मैं लेके आई थी इसकी, इसने मंगवाई थी। और ये कर रही है अपनी बैग पैक, सारा सामान फैला रखा इसने, मेरा तो फैला पड़ा है, मैं भी करूँगी अपना।
पहले इन्ने जान दे, फिर मैम भी अपना पैक करेंगे सामान। वे सिंगल बेड वाले भी दोनों ले ले, कित रखे। और ये जो खील है, तो ये खील है, ये आंगनबाड़ी में मिलती हैं और ये मेरी बहन को बहुत पसंद है, ये खाती है। तो मम्मी लेके आई थी, भूमि की मिलती है ना आंगनबाड़ी में, तो मम्मी लेके आई थी, ये लेके जाएगी। और ये कर रही है पैक अपना सामान। हाँ बेटा, ब्लूटूथ। ये कल इल्केन लेके आई थी अपनी, वह बनाएगी केन वाला पेटीकोट, नीचे से लहंगे के नीचे से पहनने का। और ये येलो वाला सूट लिया इसने अपना सिलने के लिए, तो सुंदर लग रहा है ये, इसने सूट लिया है इसमें। और ये टोस्टर लेके आई थी, ये सैंडविच बनाने का, जज्जर गए थे जब हम। और इसमें ये अपनी सिलाई का कुछ लेके आई है, बुकरम बुकरम गले हैं, बुकरम हैं, ये समोसा लेस है, ताइचे वाला बुकरम है। तो ये सिलाई का लेके आई थी अपना सामान। और दीपांशु की ड्रेस कहाँ गई? और ये रानी कलर का सूट मेरा है, ये सिलने के लिए ले जा रही है। और रई लेके आई थी, जैसी मेरी ये छोटी वाली दूध बिलोने की, ऐसी ही ये भी लेके आई थी, क्योंकि ये भैंस तो ये भी नहीं रखते, तो छोटे में ही काम हो जाता फिर इनका भी। और ये लेके आई थी दीपांशु की ड्रेस, तो ये शर्ट है, टी शर्ट है। और पैंट नहीं लेके आई थी, दोनों लोवर मंगवाए थे उसने, तो ये उसके दो लोवर हैं। ये दीपांशु की ड्रेस है। और अर्षिता की कित गई? ये इसकी जूती हैं जो कल लेके आई है, ये जूती हो गई। अर्षिता की कित गई ड्रेस? जा जरी तो ना छूट गई। हाँ, किसमिस फांस। और देखो कितने सुंदर कलर का टॉप लेकर आई मेरी बहन, देखो ये अर्षिता का लोवर है। अर्षिता भी अपना लोवर लेके आई थी, पैंट नहीं लेके आई थी, जींस वगैरह कह रही थी लोवर लेऊंगी मैं, तो वो भी अपना लोवर लेके आई थी। और ये है उसका क्रॉप टॉप, ये जींस के साथ लाई थी, जींस है उसके पास उसके साथ पहनने के लिए। तो ये क्रॉप टॉप है, ये लोवर है उसका, ये मेरी बहन का है लोवर, ये टी शर्ट भी इसी की है, दो थी एक ही, ये टी शर्ट इसकी है। तो अभी ने करेगी पैक, ये तेरी चद्दर होगी। ये सिंगल बेड की है, वो नेवी ब्लू डबल बेड की है, और एक मेहंदी है डबल बेड की। तो ये इसकी चद्दर है, ये पिलो कवर है। तो रख ले अपना, कर ले पैक। और मौसम हो रहा है आज ठंडा ठंडा, बढ़िया सा, धूप नहीं आ रही बिल्कुल भी। यहाँ पे हो गया था फिर शाम का टाइम, और यहाँ पे फिर जा रही थी मेरी बहन, और दीपांशु तो अभी यहीं रुकेगा, और हर्षिता और मेरी बहन जा रही थी। तो बस हमने इसे दरवाजे तक छोड़ दिया था, और बच्चे रोड तक छोड़ आए थे बस में, और फिर आगे आ गए थे जीजा लेने, और ये चले गए थे, पहुंच गए थे। यहाँ पे बजे होंगे 4:30-5 का टाइम हुआ होगा, तो ये 7 बजे तक अपने घर पहुंच गए थे। और ये बच्चे कुछ कुछ बोल ले जा रहे थे, तो यहाँ से मजाक हो रहा था, और बस ये लोग जा रहे हैं। और मम्मी पानी लेके खड़ी हुई थी, और संजीव बैग टाँके हुए खड़ा है कि चलो जल्दी जाओ, हम छोड़ कर आऊँ तुम्हें बाहर, पापा खड़े हैं। और मौसम अच्छा हो ही रहा है, कल शाम से ही अच्छा हो रहा है, ज़्यादा वो नहीं है, मतलब गर्मी नहीं है, धूप धाप नहीं है। और ये बाहर पापा खड़े और सामने वाले बाबा खड़े थे, तो बस बात कर रहे थे, ये बच्चों को कह रहे थे कुछ ये भी। और बस यहाँ पे जा रही है मेरी बहन, तो चलो इसे करते हैं बाय, और हम चलते हैं अपना अंदर। तो ये दोनों भाई गए हैं छोड़ने के लिए रोड तक, और ये जा रहे हैं मम्मी बेटी, और हम चलते हैं अब अंदर इन्हें करके बाय। नानी तुम्हारा प्यार है, सुती है या तो है?
हनी स्क्वाट मार रही। अभी जब हम शादी पैसा भी तो लुगाइयों ने उड़ाए होंगे नन्ना को देख के तो बाहर कर लिया हमने ना आ ली थी यहाँ पे फिर भाई की शादी की पेन ड्राइव लगा के और देख रहे थे। रात का टाइम हो रहा था, खाना पीना हो गया था, तो सभी लोग बैठे थे और देख रहे थे। तो ये